प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान, मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे देश में कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से 10 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। इसी के साथ 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 तक के भी यहाँ पर स्कूल खोल जाएंगे। और इसी के साथ क्या कुछ स्कूल और कॉलेजों को यहाँ पर खोलना सही है, क्योंकि अभी भी प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा जो है वो बरकरार है, यानी कि आंकड़े अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। और युवाओं की माने तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चे सही तरीके से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे लगातार ऑफलाइन शिक्षा की यहाँ पर मांग करने में लगे थे। और ऐसे में हालांकि पहली और दूसरी लहर में जैसे इस बार कोरोना का इतना असर देखने को नहीं मिला है, तो ऐसे में 15 से 18 साल तक के बच्चों में वैक्सीन भी यहाँ पर लगाई जा रही है। और आपको बता दें कि इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। सबसे पहले आज हम बात कर लेंगे राजधानी जयपुर की, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश में अभी तक कोरोना और ओमिक्रॉन का खात्मा नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से नई गाइडलाइन निकालते हुए 10वीं और 12वीं के कक्षाएं उनको जो है चालू कर दिया गया है, कॉलेज की कक्षाओं को चालू कर दिया गया है। साथ ही 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 तक की कक्षाओं को भी चालू कर दिया जाएगा। क्या लगता है, क्या स्कूलों में और कॉलेजों में गाइडलाइन की पालना हो रही है? कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं, क्या लगता है स्कूलों में पालना हो रही है, कॉलेजों में पालना हो रही है गाइडलाइन की? देखिए, कहीं ना कहीं देखें तो स्कूलों और कॉलेजों की तरफ से ठीक ठाक मैनेजमेंट किया जा रहा है, पालना भी कहीं ना कहीं हम देखें तो पालना भी आराम से नज़र आ रही है। लेकिन जो बच्चों की बात है, 6 क्लास तक के स्कूलों की बात है, तो अभी तक सरकार को इस पर, क्योंकि अभी बच्चों की वैक्सीन अभी मार्केट में है नहीं, ना अभी वैक्सीनों का कोई सरकार की तरफ से कोई आया नहीं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो स्कूली है, जो स्कूल शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं अभी तक ऑनलाइन रखनी चाहिए और सरकार को अभी तक इस पर फिर से सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अभी तक हालांकि बच्चों में वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। क्या लगता है स्कूल और कॉलेजों में गाइडलाइन की पालना हो रही है? नहीं नहीं सर, अभी तक कोरोना जिस हिसाब से है ना, उस हिसाब से स्कूलें कॉलेज नहीं खोलनी चाहिए थी। 10वीं से 12वीं तक स्कूलों को अभी नहीं खोलना चाहिए था, ऑनलाइन क्लास ही होनी चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए अभी तक हालांकि ऑनलाइन क्लास की मांग अभिभावक भी करते हुए नजर आ रहे थे, क्या लगता है क्या गाइडलाइन की पालना हो रही है? क्योंकि अभिभावकों के मन में अभी भी भय है कि 10वीं और 12वीं की जो है क्लासें तो खोल दी है, लेकिन 6ठी से लेकर 9वीं तक की क्लासें भी खोली जा रही है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना अभी तक कहीं गया नहीं है, 2 साल हो गए हैं, तो इस जब सब कुछ ही खोल दिया गया है, वापस स्थिति है पटरी पर लौटने लगी है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने स्कूल खोलकर कहीं ना कोई गलती की है। सरकार ने ये भी दोनों फैसले अभिभावकों पे छोड़े हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से क्लासेस चालू है, जैसे उनके पेरेंट्स और बच्चे चाहते हैं वैसे वो अपने स्कूल अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, अभिभावकों को हालांकि जो कहा गया है नए गाइडलाइन के तहत कि अगर अभिभावक चाहें तो बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। क्या लगता है ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में, बच्चों का कहना है कि ऑफलाइन शिक्षा ही बेहतर है, अब ऑफलाइन के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं लेकिन अभी भी अभिभावकों के मन में भय है? देखिए ये जो सरकार का ये जो गाइडलाइन है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, तो ये पेरेंट्स के साथ भी खिलवाड़ नहीं है इसमें। अगर वो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे दिलाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, और अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे स्कूल में जाके पढ़े क्योंकि वहाँ एक फिजिकली तौर पे बच्चा अच्छे से कैच कर पाता है, तो वो भी एक पेरेंट्स के पास है। क्योंकि अभी वैसे देखें तो कोरोना बहुत ज़्यादा घातक साबित नहीं हो रहा, ये लहर, ये जो वेरियंट है इसमें हार्ट इम्यूनिटी भी लोगों में बन चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो सरकार ने ये जो ऑप्शन दिए हैं ये भी ठीक है सरकार की ओर। बिल्कुल, देखिए पहली और दूसरी लहर में हालांकि कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जिस तरह आंकड़े बढ़े हैं हालांकि इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या लगता है मॉनिटरिंग हो रही है प्रशासन द्वारा, क्योंकि कहा गया था पहली और दूसरी लहर में मॉनिटरिंग की गई थी, अब हालांकि मॉनिटरिंग दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, क्या पालना हो रही है स्कूल कॉलेज में गाइडलाइन की? देखिए कोरोना पहले जिस स्थिति में फैला था, पहले सब डरे हुए थे, पर अब ये है कि सब लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमको सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि मॉनिटरिंग की जा रही है ऐसा सरकार कह रही है, पर कहीं ऐसी मॉनिटरिंग दिखने को नहीं मिल रही है कि हाँ सख्ती बरती जा रही है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चे भी इतने ना समझ नहीं है कि उनको समझ में नहीं आए कि हमें कोरोना से बचने के कारण क्या करना चाहिए, कि हमें मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, मगर अपने खुद को भी समझने की सख्ती से जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बीते कुछ सालों से देखने को मिल रहा था कि जिस तरह ऑनलाइन शिक्षा कराई जा रही थी उससे बच्चों को में शिक्षा ग्रहण नहीं हो पा रही थी, तो लगातार जो है बच्चे भी जा रहे थे वैक्सीन की
शुरुआत हो और कहीं ना कहीं ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो। हालांकि सरकार की ओर से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई है, लेकिन जरूरत है शिक्षकों और अभिभावकों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की। अगर स्कूल में शिक्षक जागरूक नहीं होगा, कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करवाएगा, तो एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन तनु शर्मा के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए तो आपको सीधा लिए चलते कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बाद में राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर स्कूल, कॉलेज और जितने भी शैक्षणिक गतिविधियां वाले केंद्र थे उन सबको बंद कर दिया गया था। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जैसे जैसे कम होता गया, वैसे वैसे राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर स्कूल और कॉलेजों को खोला गया। हमारे साथ ये सभी स्कूली छात्र हैं और कॉलेज के छात्र हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। राज्य सरकार ने जिस तरह से तीसरी लहर को देखते हुए निर्णय लिया और स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे, अब वापस स्कूल और कॉलेज खोले गए, इस निर्णय को कैसे देखते हैं और क्या कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है स्कूल कॉलेजों में? जी सर, प्रोटोकॉल की सारी पालनाएँ की जा रही है और सारे बच्चे ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इन सब नियमों का पालन करें। और बाकी कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ देखा गया था तीसरी लहर में के बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी इफेक्टिव हुई थी, राज्य सरकार के इस निर्णय को कैसे देखते हैं और कॉलेज प्रशासन किस तरह से नियमों की पालना करा रहा है? इसमें कॉलेज के जो छात्र मतलब उनको ईमेल, मतलब जैसे ईमेल ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से इसको कराया जा रहा है और स्कूलों में भी काफ़ी है, स्कूलों में भी जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनकी स्टडी को काफ़ी इफेक्ट हुआ है, इसलिए तो ये जो खोला गया है वो तो सही है, लेकिन उसमें पूरा पालन करना बच्चों पे, उनके पेरेंट्स पर, सब पे डिपेंड कर रहा है ये, जिससे इससे जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट ना हो, जो ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है वो बच्चों पर ना पड़े, उनकी सेहत पर ना पड़े। कॉलेज में ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में भी हो रहा है अभी, तो वो काफ़ी सही चीज़ है और इसका पालन होना चाहिए। क्या कॉलेजों और स्कूलों में जो प्रबंधक है वो कोविड गाइडलाइन की पालना सही तरीके से करा पा रहा है? प्रबंधक तो गाइडलाइन की पालना करा रहे हैं, लेकिन ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनके रूल्स को कितना फॉलो करते हैं। जो बच्चे हैं वो कुछ तो रूल्स को फॉलो करते हैं, बट कुछ बच्चे जो हैं वो अपने आप में, उनको नई नई भ्रांतियाँ फैल जाती हैं कि कोरोना से उनको कुछ नहीं होगा, कोरोना मतलब उसको वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण यही नतीजा है कि ये हमें ओमिक्रॉन उसी के नतीजे में, हमारी लापरवाही के नतीजे के रूप में ही हमें मिला है। बच्चों की काफ़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है कोरोना काल को अगर देखा जाए तो, कोरोना काल के बीच में जिस तरह से बच्चों की अगर पढ़ाई इफेक्टिव हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? जैसे 2 साल से लॉकडाउन लगा दिया गया था, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि बच्चों को कुछ नॉलेज ही नहीं बची है। ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चा उसे मोबाइल में एक गेम की तरह, उससे ही स्टार्ट होता है, उसी पर ख़त्म हो जाता है, उसे वैसे प्रोफेशनली उसे कोई नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए ऑनलाइन स्टडी कराए जाना काफ़ी नहीं है, उसे और अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना होगा, जिसके लिए उसे स्कूल आना ज़रूरी है। जिला प्रशासन हो, चाहे कॉलेज प्रबंधक हो, चाहे स्कूल प्रबंधक हो, किस तरह से कोविड गाइडलाइन की पालना करा रहे हैं और आप लोग सब स्टूडेंटों किस तरह से इन रूल रेगुलेशनों की पालना करते हुए दिखते हैं कुछ? जी, काफ़ी समय से कोरोना की स्थिति बहुत आक्रामक रूप ले चुकी है, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं जिनसे जनता को, स्टूडेंट को, टीचर्स को, सभी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सर, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि ये पालना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग अपने अनुसार जितना हो पा रहा है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा के भी विद्यार्थी आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो व्यवस्था है प्रशासन द्वारा बनाई गई है उन व्यवस्थाओं के हिसाब से विद्यार्थी अपने आप को ढालता है और उस अनुसार कार्य करता है। विभिन्न तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, परंतु सर ये ऑनलाइन कार्यक्रम चलाए तो गए हैं मगर जो विद्यार्थी है वो ऑनलाइन कार्यक्रम को स्किप करके अपनी पढ़ाई से पूरा बैक फुट पे आता जा रहा है, अपने शिक्षा पे निरंतर सही रूप से ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि सही रूप से शिक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन की विद्यार्थियों को आदत अभी नहीं है, तो वो अपनी शिक्षा में पिछड़ता जा रहा है विद्यार्थी। तो ये कॉलेजेस स्कूल जो खुले हैं इन्हें खुलना भी चाहिए और लगातार जो शिक्षा है उसको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ
निरंतर रूप से चलाना चाहिए। कोई ये निर्णय ये लेना कि स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, ये कहीं तक भी सही नहीं है, क्योंकि इससे विद्यार्थी वर्ग जो है वो बहुत पिछड़ चुका है। दो साल से वैसे ही बहुत पिछड़ चुका है, अभी निरंतर वापस आगे भी अगर ये स्थिति बनी रही तो विद्यार्थी अपनी लिखना पढ़ना भी भूल जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार क्या स्कूल और कॉलेज जो खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है वो सही है या नहीं है? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये सही है, जो क्योंकि दो साल से लॉकडाउन था और सभी लोग कॉलेज या स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो सब घर रह के ऐसे ही बोर हो रहे थे और परेशानी हो रहे थे, क्योंकि सर ऑनलाइन ये दीदी ने बताया था कि ऑनलाइन काफ़ी नहीं है, तो ये सही भी है क्योंकि लोग ऑनलाइन में क्या करते हैं, उतने तरीके से पढ़ नहीं पाते और इससे खुद की भी हेल्थ ख़राब हो रही है और घर बैठे बाहर घूमना नहीं हो पाता, तो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। सर, राज्य सरकार जब भी कोविड का कहर जारी होता है तो सबसे पहला अटैक स्कूल और कॉलेजों पर होता है, इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बाकी जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो तो काफ़ी दूर रखे जाते हैं, मगर स्कूल और कॉलेजों पर सख्त एक्शन लिया जाता है और बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरीके से आपको पता है कि जो सबसे पहले हमारे देश के युवा ही हैं और उनको ही उनके लिए ही सबसे ज़्यादा गाइडलाइन के लिए जैसे स्कूल और कॉलेज में ली जाती है, और जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासों का जो प्रारूप चल रहा है तो ये बिल्कुल सही है, कहीं हद तक सही भी है और कहीं हद तक सही नहीं भी है, पर ऑनलाइन क्लासों को ज़्यादा महत्व नहीं देकर क्लासों को ज़्यादा महत्व दिया जाए। ये कुछ कॉलेज के छात्र थे, कुछ स्कूली छात्र थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना के कहर के चलते बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, बच्चों का जो ज्ञान है जो स्कूल और कॉलेजों से मिलता है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी अंतर है। कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधक हो चाहे स्कूल प्रबंधक हो, कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए पूरी तरह तत्पर है, और अब बच्चे भी समझने लगे हैं कि कहीं ना कहीं इस कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा और हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। कोटा के लोगों ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया, अब आपको सीधा लिए चलते बीकानेर जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की, खास रिपोर्ट में देखिए। बच्चों में सोशल डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए, स्कूलों में किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ओमिक्रॉन नहीं फैले, आप बताइए क्या 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 मानते हैं? मैं ये मानता हूँ ओमिक्रॉन की वजह से जब स्कूलें वापस खुली है इसमें भय के साथ खुशी है, अभिभावकों को खुशी इस बात की है कि उनके बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, भय भय इस बात का है कि कल को वापस नहीं आ जाए। मैं चाहता हूँ कि स्कूल प्रशासन को ये चाहिए कि सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये सबसे ज़्यादा है, और विद्यार्थी जब आते हैं उनसे पहले सारा जो स्कूल परिसर है उसको सैनिटाइज कीजिए। आप क्या मानते हैं? मेरे ये कहना है सरकार ने जो स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है वो अभिभावकों में भय भी है और खुशी भी है, ये बात सही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि वो क्लासों को सैनिटाइज करे, बच्चों में दूरी रखे और मास्क का पूरा प्रयोग करे, जो बच्चे मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं उनके लिए मास्क का वहाँ प्रबंध रखे ताकि बच्चे संक्रमित ना हो और अभिभावक भी खुशी खुशी स्कूल भेज सके। ओमिक्रॉन के बाद में स्कूलें और कॉलेज खुली है इससे बच्चों के अभिभावकों को खुशी तो है, लेकिन साथ में थोड़ा डर भी है कि इसको क्या है कि सोशल डिस्टेंस होना जरूरी है स्कूल में और सैनिटाइज की व्यवस्था होनी चाहिए। सैनिटाइज की व्यवस्था है और उनको मास्क लगाने के लिए कंपल्सरी कहा जाए और अगर मास्क नहीं हो तो अनिवार्य की जाए। और क्या मानते हैं स्कूलों में खुली है ओमिक्रॉन के बाद, क्या मानते हैं? के बाद हम ऐसा मानते हैं कि बैंक के साथ खुशी है, जैसे कि आपको स्कूलों में हम जीत चुके हैं, इसका परिणाम ये परिणाम वापस नहीं आए, इसलिए स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज करना चाहिए, टैबलों को बच्चों को पूरी तरह से साफ करना चाहिए, और यदि बात करते हैं लोगों का मानना है कि ओमिक्रॉन के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, स्कूल प्रशासन को चाहिए सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करें, साथ ही सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था करें ताकि बच्चों में किसी तरह से वो जो है कोरोना ना फैले। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी।
चलिए तो आपको सीधा लिए चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, हम आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से अभी ओमिक्रॉन का खतरा खत्म हुआ है और उसके चलते कोविड गाइडलाइन की जो नई पालना हो रही है उसके चलते स्कूलों के खुलने की वापस से आदेश जारी हो गए हैं, और क्या स्कूल निरंतर खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, कुछ स्कूल के अध्यापक और अभिभावक और टीचर्स हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे कि स्कूलों के अंदर क्या उनके तरफ से प्रबंध है और क्या होना चाहिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। स्कूलों में जो कोविड को लेकर क्या प्रबंध हैं आपकी तरफ से और क्या आपने यहाँ पे सुविधाएं मुहैया करा रखी है विद्यार्थियों के लिए? सर, स्कूल बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। लिमिटेड जो बच्चे हैं, 50-50% हम बच्चों को बुलाते हैं, 2 पार्ट्स में बुलाते हैं। बच्चों को सैनिटाइज करने के लिए कहते हैं, बच्चा सैनिटाइज की बोतल अपने साथ लेकर आता है। क्लास लग जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उससे मशीन से, तो हमारे पियोन यहाँ की हर रूम्स को सैनिटाइज करते हैं, साफ़ सुथरा है प्रबंध। कोई भी बच्चा मास्क नहीं हटाता, अगर लोग कहते हैं कि भाई मास्क से कोरोना वायरस रुक जाता है, तो सब बच्चे मास्क लगा कर आते हैं। और जितने भी टीचर्स हैं हमारे, सब ने डबल वैक्सीन लगाई हुई है, डबल डोज है। और जो बच्चे 15 साल से ऊपर के थे उनको सबको हमने 100% वैक्सीनाइज करवा दिया है। कितनी अच्छी बात है कि इस स्कूल के अंदर सभी बच्चे 100% कोरोना की वैक्सीन लगा रखी है और सब टीचर्स भी कोरोना की डबल डोज लगा के रखे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अभिभावक अभी तक माता जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी बच्चों को स्कूल भेजने शुरू करें, क्योंकि वो बच्चे जब घर पर रहते हैं तो वैसे भी वो बाहर घूमते हैं, उनके पेरेंट्स भी बाहर जाते हैं, तो बाहर जब वो जाते हैं जो बाज़ार का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो पेरेंट्स जो है खुद गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। और जब वही पेरेंट्स घर पर आते हैं तो वो बच्चों से मिलते हैं, तो उससे ज़्यादा खतरा है। हमारे स्कूल में तो फिर भी सेफ्टी है, बच्चे आएंगे तो वो हमें उन्हें प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठाते हैं और जो है मास्क प्रॉपर, बिना मास्क के हम एंट्री ही नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सभी अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि बच्चे का स्टडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को अब स्कूल भेज ही देना चाहिए, ताकि बाज़ार से तो वो बच्चे कम से कम स्कूल में कुछ घंटे स्कूल में अपना समय दें तो उसको पढ़ाई भी होती रहेगी और वो बाज़ार से भी बचेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या स्कूल खुलना जायज़ है अभी या कोरोना गाइडलाइन के चलते बच्चों को घर पे ही ऑनलाइन पढ़ाई जाए? नहीं, स्कूल बिल्कुल खुलने चाहिए, और इंडिया ही ऐसा कंट्री है जिसमें मैक्सिमम स्कूल बंद रहे हैं, बाकी किसी कंट्री में इतना ज़्यादा बंद रह ही रहा है। तो बिल्कुल खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है, सैनिटाइज पॉइंट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे कोई असेंबली नहीं होती है, बच्चों को एक साथ नई गैदरिंग होती है, बिल्कुल सुरक्षित है स्कूल, और उस एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है कि पूरी दुनिया में है कि हिंदुस्तान ही ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा समय के लिए स्कूल्स बंद हैं जो कि नहीं होने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि ना, बच्चे घर पर रह के तो नहीं एजुकेटेड हो सकते हैं। जो माहौल बच्चों को घर पर मिलता है और वो स्कूल में मिलता है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चा स्कूल में ही पढ़ता है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या स्कूल के अंदर जो प्रशासन, स्कूल प्रशासन है, पूरी तरीके से इसमें मुस्तैद रहता है? हाँ, स्कूल की एंट्रेंस पे ही बच्चों का टेम्परेचर लिया जाता है, उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, बिना मास्क उनको एंट्री नहीं दी जाती है, और स्कूल खुद उन्हें मास्क उपलब्ध करवाता है। तो क्लासेस में उनको डिस्टेंस में बैठाया भी जाता है और गाइडलाइन की पूरी पालना की जाती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर यही तरीके से अगर स्कूल के अंदर डेकोरम रहा तो शायद स्कूल में परमानेंट खुल जाने चाहिए और परमानेंट सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए ताकि उनको पूरी अच्छी से शिक्षा मिल सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, मेरा भी यही कहना है कि स्कूल खुलने चाहिए और बच्चे सुरक्षित हैं स्कूल में, पेरेंट्स को ये बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। जी देखिए, अभी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से डोज लग चुके हैं और अभी छोटे बच्चों के लिए भी डोज लगाने की प्रक्रिया सरकार की जारी है। फिलहाल अभी जो तीसरी लहर आई है, तीसरी लहर में बहुत हद तक सरकार ने इस पर काबू पा लिया है और अब जो लोगों का कहना है, अभिभावकों का कहना है, यहाँ तक कि विद्यार्थियों का भी ये कहना है कि स्कूल परमानेंट खुलना चाहिए और स्कूलों में छोटे बच्चों को लेकर, छोटे से LKG के बच्चों को भी स्कूलों में जाके एंट्री वापस देनी चाहिए ताकि हमारे देश का जो माहौल है वो सुदृढ़ बने और बच्चे जो हमारे देश के जो भविष्य और हमारे देश का भविष्य खराब ना हो। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज अजमेर। बोलियो राजस्थान में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।